ये तस्वीरें तमाम सवाल उठाने वाली है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को पूरा थाना ही घिरा हुआ है। आखिर क्यों पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे हैं, आखिर क्यों ये धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आपके भी जहन में सवाल है तो चलिए विस्तार से बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है, और यकीन मानिए ये कहानी आपको अंदर तक दहला कर रख देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती में लालगंज थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी संख्या में बजरंग दल के लोग थाने पहुंच गए और थाने को चारों ओर से घेर लिया, या फिर यूं कहें कि थाने पर तैनात पुलिस वालों को कई घंटे तक बंधक बना लिया। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर तैनात थानेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की के साथ साथ जमकर हंगामा भी काटा। नाराज कार्यकर्ता यहीं नहीं रुके, पुलिस वालों को सद्बुद्धि के लिए परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। बजरंग दल के नेता को मनाने के लिए थाना इंचार्ज सुनील कुमार गौर जमीन पर बैठकर मामला शांत करने की मिन्नतें करते नजर आए। दरअसल पूरा मामला एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों का वांछित अभियुक्त नवरतन और भोलू गुप्ता देर शाम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। लालगंज पुलिस पर अभियुक्त को पैसा लेकर भगाने का आरोप लगाते हुए लड़की के परिजनों सहित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करके हंगामा शुरू कर दिया। बजरंग दल के लोग थाने पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार गौर ने काफी मान मनौवल करके मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। धरने पर बैठे कार्यकर्ता गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे रिलेशन के एक रिश्तेदार थे, उसका अपहरण हुआ था। दूर के रिश्तेदार थे, उसका अपहरण हुआ था। हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दिया, एक महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और हम लोग सहयोग भी किए। उसमें अपने चौकी इंचार्ज महोदय अनस साहब भी थे, पूरा अनस साहब पूरा अपने क्षमता लगा दिए थे, सहयोग किए। हम लोग यहाँ ला करके उसको बैठाया गया आज 23 तारीख को बैठाया गया, उसके बाद शाम को, उसके बाद आज सुबह वो 3 बजे यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद भी गार्जियन को सूचना नहीं दिया जाता है कि वो फरार हो गया, आप लोग सतर्क रहिए, कोई बात घटना घट जाती है और हमको ही थाने के अंदर अपराधी वो व्यक्ति हमको जान से मारने की धमकी भी दे गया है। और दूसरी बात, वो कबीर हत्याकांड में आरोपी भी है। कबीर हत्याकांड से वहाँ दुधारा थाने से भगा भी था, थाने से भी भगा। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मी के निलंबन करने का आश्वासन देते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने तत्काल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और अभियुक्त की फिर से गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर थाना परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई, सुनवाते हैं आपको। नाबालिग लड़की को नवरत्न भोलू नाम के व्यक्ति ने नाबालिग लड़की को भगा के ले गए थे, जिस पर हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आई थी। भोर में उल्टी की बात उसने बताया और उसको हवाला से बाहर करके उसका उपचार टाइप करके उसको बैठा दिया गया, तब तक वो सही था। उसके बाद मौका लगा और वो थाने से फरार हो गया। बाकी जितनी भी चीजें हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और बजरंग दल के जो भी लोग हैं उनको मैंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस सरकार में अपराधी खाकी से खौफ खाते हैं, उसी सरकार में अपराधियों को पुलिस का ऐसा सहयोग मिलने का आरोप लग रहा है, वो थाने से फरार हो रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहा है खाकी का इकबाल,
एनकाउंटर अपराधियों को पाताल से ढूंढ कर लाने वाली पुलिस एक खूंखार और बेटियों को छेड़ने वाले अपराधी को थाने से भाग जाने पर पकड़ने में अभी तक सामर्थ्य नहीं दिखा पाई है, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा है। देखना होगा कि आखिर आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।